हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो कैसे आप सब लोग आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमारा जेके पी एस आई जो पेपर था उसमें भी पूछे गए हैं इसमें रिपीटेड भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमारे जेके पी एस सी एंड असिस्टेंट रजिस्टर आर के लिए इम्पॉर्टेंट है सो so, शुरू करते हैं आज का टेस्ट हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है नेहरू अम्बेडकर गांधी जी या रबिंद्राथ टैगोर को सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेट इज़ अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बिकॉज़ ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ओके okay? ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी थे सो so, आपको आ, ना कि सिर्फ ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे इनफैक्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए जो सिक्स मेंबर्स हैं उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए इन विच ईयर डोगरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोगरी लैंग्वेज कब इंक्लूड की गई थी टू में टू में टू या टू में सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थ्री डेट इज़ टू थाउजेंड एंड थ्री में जो डोगरी लैंग्वेज है उसको एट शेड्यूल में डाला गया था तेन मूव करते हैं इन विच योर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया मणिपुर एंड त्रिपुरा इंडिया की स्टेट कब बनी थी ये मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया भी है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन जिसमें हमने यूनियन एंड टेरेटरीज पढ़े थे जिसमें हमने वन टू फोर आर्टिकल्स को डिस्कस किया था सो so, कौन सी ईयर में है 1989 में 1972 में 1967 में या 1966 में सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेट इज़ 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को इंडियन स्टेट में इंक्लूड कर दिया गया था बाय स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट सो स्टेट एरिया एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया था आपको वो भी पता होना चाहिए एंड कौन सी पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बताओगे एंड इवन आप मुझे जो ये क्वेश्चंस करेंगे उसका जो स्कोर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मैं देखूँगी कि आप कितना आपको इन क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स आते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज का किस से रिलेटेड है फिफ्टी सेकेंड अमेनमेंट सिक्सटी सेकेंड सेवेंटी सेकेंड या सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट सो पंचायती राज मैंने आपको पढ़ाया है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी डेट इज सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है इसके रिलेटेड कुछ कमेटीज़ भी हैं जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी है अशोक मेहता कमेटी है सो so, ये जो कमेटीज़ हैं आपको ये भी याद रखनी है एंड इवन इनके ईयर भी आपको पता होना चाहिए जो कन, ये जो कमेटीज़ हैं ये कौन से ईयर में आई थी देन है इन इंडिया द वर्क ऑफ बजट फ्रेमिंग जो है यहाँ पे फार्मिंग नहीं यहाँ पे फ्रेमिंग है इस परफॉर्म्ड बाय बजट फ्रेमिंग कौन करता है नीति आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस कमीशन सो सिक्स का फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन सी डेट इज फाइनेंस मिनिस्टर सो अभी जो ऑप्शन ए है नीति का आयोग इसका आपने मुझे बताना है कि जो नीति आयोग है ये किसको रिप्लेस करके आई थी और वो कौन से ईयर में आई थी आपको इसका ईयर भी पता होना चाहिए एंड जिसको रिप्लेस करके आई थी उसका नाम भी पता होना चाहिए एंड नीति आयोग का जो एक्स ऑफिसो जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए देन हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे जो है कि फर्स्ट स्टेट जिसमें पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था वो कौन सी स्टेट थी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान या उत्तर प्रदेश सो so, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी डेट इज राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था द फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है पार्ट फर्स्ट में है पार्ट थर्ड में या पार्ट फोर्थ में है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेट इज़ पार्ट पार्ट फोर्थ पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरेटरीज़ हैं पार्ट थर्ड में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट फोर्थ में क्या है सॉरी पार्ट थर्ड में क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं एंड पार्ट थर्ड फोर्थ में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सो आपको इनके आर्टिकल्स जो हैं इनके रिलेटेड वो भी पता होना चाहिए देन मूव करते हैं एट क्वेश्चन की तरफ ए मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो किसकी प्राय रिकमेंडेशन चाहिए होती है स्पीकर की चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर की चाहिए होती है फाइनेंस मिनिस्टर की या प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की चाहिए होती है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डेट इज़ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में इनको प्राय रिकमेंडेशन चाहिए होता है किसका प्रेजिडेंट का इन इंडिया हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या इनमें से कोई भी नहीं सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेट इज प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं जो आर्टिकल अपॉइंटमेंट आर्टिकल हैं वो याद होना चाहिए और वो पता भी होना चाहिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगर स्पीकर इफ़ दज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइडेड एज ए मनी बिल कि मनी बिल डिसाइड कर दिया लोकसभा ने क्या वो चैलेंज किया जाता है यानी कि लोकसभा के द्वारा पास किया गया अगर कोई मनी बिल क्या वो चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या उसको अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो वो चैलेंज करेंगे या उनको फाइनल हो जाएगा चैलेंज नहीं हो पाएगा या चैलेंज हो जाएगा सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि मनी बिल राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है तो प्राय रिकमेंडेशन के लिए प्रेजिडेंट बट लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में नहीं होता अगर राज्यसभा मनी बिल को कैंसिल भी कर दे तो फिर भी लोकसभा में लोकसभा ही उसको आगे बढ़ाती है सो तो राज्यसभा का इतना इन्फ्लुन्स नहीं होता है मनी बिल के ऊपर देन मूव करते हैं क्वेश्चन एलेवन की तरफ जिसमें कि जो है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट right नहीं है राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो डिलीट कर दिया गया था सो so, ये आपको पता ही होगा राइट टू लाइफ भी है राइट टू लिबर्टी भी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है फंडामेंटल राइट सो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इंडिया का सिस्टम क्या है फेडरल है क्वैजी फेडरल है यूनिटरी है या इनमें से कोई भी नहीं सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी क्वेजी फेडरल है इंडिया का सिस्टम द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाय स्लोगन जो है स्वराज इज माई बर्थ राइट तो हिस्ट्री में भी पूछा जाता है महात्मा गांधी ने दिया था लाला लाजपत राय ने लोकमान्य ने बिपिन चंद्र पाल ने किसने दिया था सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डेट इज लाला लाजपत राय ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ एंड अटैशल हैविट प्रेजिडेंट रूल इन द इंडियन स्टेट इज डिक्लेयर्ड अंडर प्रेजिडेंट रूल ये रूल नहीं यहाँ पे प्रेजिडेंट रूल है प्रेजिडेंट रूल अंडर कौन से आर्टिकल में आता है थ्री सिक्सटी एट में आता है थ्री सिक्सटी टू में आता है थ्री फिफ्टी टू में आता है थ्री फिफ्टी सिक्स में आता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डेट इज़ थ्री फिफ्टी सिक्स जो है प्रेजिडेंट रूल के अंडर आता है तो इसमें से फाइनेंशियल एमरजेंसी या थ्री सिक्सटी जो ये जो है ये आर्टिकल्स भी आपको पता नहीं चाहिए एंड इवन जो थ्री सिक्सटी एट आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है ये भी आपको पता होना चाहिए देन मूव करते हैं जो कंटेम्प्रेर या ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस या यू पी एस सी कमीशन अपॉइंट करती है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए डैट इज़ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही कैग को अपॉइंट करती है सो so आपको करंट जो हमारा कैग है उसका नाम भी पता होना चाहिए देन सिक्सटीन क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है टेन मेंबर्स को टू मेंबर्स को फिफ्टीन या ट्वेल्व मेंबर्स को नॉमिनेट करता है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी डेट इज़ वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ट्वेल्व मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करता है यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कोई भी नहीं सो so, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये रिपीटिडली पूछा गया है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी डैट इज कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का सही ऑप्शन है पंचायती राज कमेटी वाज रिकमेंडेड बाय किसने रिकमेंड की थी मैंने अभी आपको जब ऊपर क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने की थी क्रिप्स मिशन ने की थी या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ने की थी या बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ने की थी जो नाइनटीन में आई थी सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डेट इज बलवंत राय मेहता कमेटी किया गया था फिफ्टीन अगस्त को थर्टी जून नाइनटीन एट को या नवंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी सेवन को या ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था बाय ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोटी सेवन सो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी करवाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी नाइनटीन थर्टी फोर से जब एम एन रॉय ने उसकी जो बात है सबसे पहले की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाने की फिर उसके बाद जो कांग्रेस है जवाहरलाल नेहरू ने उसके बाद जो कांग्रेस है उन्होंने उसका साथ दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बिठाया जाए ताकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन सके सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डैट इज़ मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी करवा दिया है पिट इंडिया एक्ट भी करवा दिया है एंड जो चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे जो ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के गैप के बीच में जो चार्टर एक्ट हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी मैंने उसमें करवाया आप जाके देख सकते हैं मेरा सारा वीडियोज़ सो so, आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी शुरुआत कैसे हुई थी सो so, आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो so, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अपने ट्वेंटी क्वेश्चंस के अपॉइंटमेंट है कैग का वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है फोर्टी एट आर्टिकल वन फोर्टी सेवन आर्टिकल वन फोर्टी एट आर्टिकल या वन फोर्टी नाइन आर्टिकल सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी डैट इज़ आर्टिकल वन फोर्टी एट के अंडर जो कैग है उससे अपॉइंट किया जाता है क्वेश्चन ट्वेंटी वन है जो फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो डील किससे करती है डिफेक्शन से रिजर्वेशन से इलेक्शन से या प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए डेट इज़ एंटी डिफेक्शन तो इसका आपको शेड्यूल भी पता होना चाहिए सो so, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका शेड्यूल भी बताएंगे देन मूव करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेट करता है सो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट है आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट है आर्टिकल थ्री सिक्सटी सेवन है या ये सभी हैं सो so, इसका करेक्ट ऑपन ऑप्शन ए डैट इज़ आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेट है सो so, मैंने आपको अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी बताया है तो आप जाके जो भी मेरी जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ द जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा देन कितने कैटेगरीज़ में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिवाइड किया गया है फाइव सिक्स सेवन या एट तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डेट इज सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इफ द स्पीकर डिसाइड अगर स्पीकर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है वो रिजाइन करता है तो उसको अपना रेजिग्नेशन किसको देना पड़ता है जजेज ऑफ द हाई कोर्ट या डेपूटी स्पीकर को या चीफ मिनिस्टर को या फाइनेंस मिनिस्टर को सो so, उसको अपना जो रेजिग्नेशन है वो देना होता है डेपुटी स्पीकर को तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जब प्रेजिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट हो तो उसकी जो पावर है उसके जो फंक्शन है वो कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करता है होम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस कहते हैं स्पीकर करता है सो so, उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी डेट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है तब तक उसका काम करता है जब तक कोई नया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट ना हुआ हो अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट करता है अगर दोनों में से कोई ना हो तो कौन करता है चीफ जस्टिस करता है इंडिया का शारदा एक्ट जो है वो किससे डील करता है विडो री मैरिज एक्ट से चाइल्ड मैरिज से इंटरकास्ट मैरिज या पॉलीगैमी से सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डेट इज चाइल्ड मैरिज से डील करता है कौन सा एक्ट शारदा एक्ट सो so, ये थे आज के हमारे ट्वेंटी सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिपीटेडली क्वेश्चन जो पूछे गए थे जेके पी एस आई से एंड इवन जे के से भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बट मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो जे के पुलिस uh, सब इंस्पेक्टर के हैं वहाँ से लिए गए हैं सो so, ये है इसकी आंसर की आप आंसर भी यहाँ से बाद में चेक कर सकते हैं पहले यहाँ से का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिएगा सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सो so, आप तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें बाय बाय